वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग आ रहा काफी दिनों के बाद, तो नहीं इससे पहले एक आ गया था शादी वाला ब्लॉग, आप लोगों ने देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। मैंने वो ब्लॉग बहुत ज्यादा एंजॉय किया बिकॉज मेरे साथ ही रही और सोफू, और ये ब्लॉग भी मतलब ये ब्लॉग काफी टाइम दिनों के बाद आया है ना, और अभी मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 3-4 ब्लॉग तो मैं जरूर डाल ही दूं और आप लोग भी देख सको, और मैं भी अभी इंजॉय करूंगी। अभी फ्री होगी थी, एग्जाम वगैरह थे और भी बहुत सारा काम हो गया था बीच में, और मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, और मैंने आज इसलिए होम रेमेडी अप्लाई की है फेस पे बिकॉज नानी दादी के नुस्खे। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगी, मतलब वो टैनिंग हो गई है बहुत ज्यादा धूप में घूमने की वजह से, धूप में घूमी हूँ मैं इन दिनों में बहुत ज्यादा, और पढ़ाई का भी स्ट्रेस हो गया था बीच में, पढ़ाई वगैरह भी करनी पड़ी थी। और अभी मैं फ्री हूँ, अभी फ्री हूँ यूट्यूब के लिए, सारा टाइम मैं यूट्यूब को देने वाली हूँ। और ये देखो मेरी डबल चिन, मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई इन दिनों में, अभी मैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगी सब कुछ। और वैसे टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, है ना, यही कि मेकअप के कुछ वायरल हैक्स ट्राई करने वाली हूँ, और ऐसे वायरल हैक्स ट्राई करने वाली हूँ जो और लड़कियों ने भी ट्राई किए हुए हैं, और बट ऐसे लगता है कि हाँ क्या पता इसने भी ऐसे ही कर दिया हो कुछ शूट वगैरह, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए, है ना, और फिर कंफर्म हो जाएगा। और आप लोगों को पता है मैं ऐसे झूठी खबरें नहीं बताती, झूठी बातें नहीं बताती, जो रियल होगा वही बताऊंगी। और तो आप लोग तैयार हो जाइए, भाई आ गया, गेट खुल गया पहले। तो गाइज ये ब्लॉग लड़कियों को काफी पसंद आने वाला है बिकॉज लड़कियों के लिए यूजेबल होगा, उनके लिए फायदा होगा ना इस ब्लॉग से, उनको पता चल जाएगा कि ये हैक्स उनको ट्राई करना चाहिए या नहीं। और वैसे लड़के भी बने रहना, मेरे ब्लॉग लड़कों को भी पसंद आते हैं ना, तो आप लोग भी देख लेना क्या है, अपनी बहनों को अपनी वाइफ्स को बता देना, वाइफ एक ही है ना, वाइफ को बता देना, और वो भी खुश हो जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, और तो हम स्टार्ट कर लेते ये वायरल हैक्स, यहाँ देख लेना साइड में मैं चला दूंगी वीडियो, ठीक है, जो मैं देख के बना रही हूँ वो वाली, ठीक है हैक्स। और तो गाइड चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बहुत हो गया, अब ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। सो गाइज मैं अपना ये फाउंडेशन ले लेती हूँ इस चम्मच में, एडीएस का है, और अपना फाउंडेशन यार खुल जा, थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा खराब नहीं करने वाली मैं अपना मेकअप, इतना सा लेंगे, ठीक है। और एक और बात, मेरा अभी ना थोड़े दिन पहले एग्जाम था, चलो एक मिनट इसको पहले कर लेते हैं। सो गाइज इसके लिए हमें लेना ही है एक मोमबत्ती दिवाली की, और तो इसको ना हमें पकाना अच्छे से, फिर ये बन जाएगा, मतलब हम ना फेस पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कवर करेगा अच्छे से। ये देखो यार अच्छे से पकाना है पूरा, ये देखो बबल्स कैसे आए, यार वाओ ये पक गया अच्छे से, वाओ वाओ यार ये तो मजा आ रहा है मेरे को इसमें देखने में। और मेरे एग्जाम था ना वहां पे मेरे को टू फ्रेंड नहीं मिली थी, एक का नाम था अमीशा पटेल, नहीं अमीशा मलिक, हमने कहा पटेल, उस दूसरी लड़की ने मलिक, ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, मोमबत्ती बुझाने में किस किस को मजा आता है यार, हैप्पी बर्थडे करने में। ये देखो धुआं धुआं, और ये अपना हो गया रेडी, और इससे हमें पता चल जाएगा ये ना अपनी स्किन के नीचे जो ब्लैक सर्कल वगैरह उनको, जो भी क्या होते हैं यार ब्लैक डार्क सर्कल वगैरह निशान वगैरह, उनको कवर कर देता है। अरे मैं पेंसिल ब्लैक अभी निकालनी पड़ेगी, ये ठंडा हो जाएगा इतनी देर में, सही है मैं पेंसिल निकाल के लाती हूँ ब्लैक, देखते हैं फिर ये अच्छे से हमारे स्किन के नीचे जो ये हो गया ना, मेरे भी थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए ना उस धूप की वजह से हो गया, तो इनको छुपा पाता है या नहीं हम ना अच्छे से देखेंगे। सो गाइज देखिए मैं ये ऐसे निशान बना लिए मैंने दो, अब देखते हैं ये वाला डार्क हो गया ना ऐसे ना हो कहीं, चलो ठीक है, और अब देखते हैं हम कि कौन सा इनको कवर कर पाते हैं। ये नॉर्मल फाउंडेशन है और इसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है, और ये तो ब्लेंड भी नहीं हो रहा अच्छे से, मेरे को ना फाउंडेशन ब्लेंड करना आता ही नहीं है, इसलिए मैं ये लगाती नहीं वैसे बड़ा का पूरा बिल्कुल, ये देखो पूरा फुल पड़ा बेबी,
नहीं दिख रहा गया यार मेरा तो, ये फाउंडेशन अच्छा लग रहा है, इसके चिपक गया लगता, मेरे को सुखाना चाहिए था पहले, मैंने ये फ्लॉफ कर दिया, खराब कर लिया ना। चलो दोबारा से करते हैं, पहले इसको अच्छे से गिल्ले के ऊपर लगा दिया ना, वो ब्लेंड ही हो गया, अब इसको सुखाते हैं। कैसे सूखेगा? फीका फीका है सामान, बन गया यार। ये क्या सूख गया दोनों? ये जो मेरा ना फाउंडेशन नॉर्मल वो है, ठीक है, हो गया। और अब ये वाला अप्लाई करते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, पिंक पिंक। और यार गर्म है ये, अब इसका देखते हैं, ये तो पता नहीं क्या बन गया। हाँ यार ये गायब, तो गायब ही हो, ये निकल गया क्या? हो गया ये तो ना यार, ये क्या हो गया? अब मुझे पता चला वो लड़कियां क्या करती हैं, कि जो ये नीचे होता है ना निशान, तो उसके ऊपर जो अपना ओरिजिनल है ना, तो उसको तो ऐसे ऐसे कर देती है। अभी देखा था ना अपन थोड़ी देर पहले, ऐसे ऐसे किया तो वो रह गया था, पहले ऐसे ऐसे किया वो सारा ब्लेंड ही हो गया। और बिकॉज ये तो गीला तो होता ही है, सूखा तो होता नहीं है पाउडर, की वो उसके अंदर मर्ज हो गया, नीचे जो मैंने आईलाइनर लगाया उसके अंदर मर्ज हो गया। ये देखो हो गया, हो गया, अब वापस किया और ये सूख गया ये सारा। ये देखना ये इतना सा क्या हुआ, पूरे मुंह के लगा लेते, हो गया वाइट वाइट, ये तो और भी ज्यादा गंदा हो गया यार। मेरा पहले ही अच्छा था, फेल है ये, मत ट्राई करना आप लोग। क्या करूं अब इसका, मैं मुंह धो के आना पड़ेगा क्या? ओके गाइस, वो हैक तो फेल है। सारी लड़कियां जो भी आप लोग देख रहे हो जिस चीज का, उन सभी का मतलब वो झूठ बोल रही है, लड़कियां झूठी बोल रही होंगी, मेरे से तो नहीं हुआ यार, या मैंने सही से ट्राई नहीं किया। और ये वीडियो इतनी बड़ी बन रही है ना, और मैंने तो यार बहुत सारे वायरल हैक्स देखे थे, अभी से इतनी बड़ी बन गई है। और गाइज मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे एग्जाम में दो फ्रेंड्स मिली थी, गुंजन और अमीशा। तो हेलो अमीशा, हेलो गुंजन, अगर मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मैंने उनको बताया था ब्लॉग के बारे में लास्ट टाइम, जब एग्जाम खत्म हो गया था तब अमीशा तो मिल गई थी। गुंजन को मैंने पीछे से देखा था, उसका वेट भी किया, अभी वो पीछे से आ रही है, बट वो फिर नहीं आई। आई हो तो हेलो बोल देना ग्रुप में, ग्रुप में बोल रही हूँ यहाँ कमेंट्स में। और गाइस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। और मैंने एक और हैक देखा था, उसमें क्या था कि ऐसे लड़कियां नीचे मोमबत्ती लगा के या दिया लगा के जो भी है नीचे से ब्लैक हो जाता है, फिर अपने लिप्स पे लगाती है। और ये तो देखो मैंने अभी जो ये वायरल हैक्स ट्राई किया है, जो अभी फाउंडेशन वाला, उसी के अंदर देखो नीचे से हो गया ना, अभी यही ऐसे लगाती है, और ठंडा होने के बाद लगा लेना, ठीक है? कहीं गरम गरम होठ पे चिपका लो, और इतने बड़े होठ, फिर बोलो ममता ने बोला था ऐसे हैक्स ट्राई करने के लिए, ठंड अपना दिमाग भी लगा लेना, ठीक है? थोड़ा बहुत ठंडा होने के बाद। उस लड़की के तो इतने सुंदर होठ हो गए थे, आप लोग देखो इस वीडियो में, और मेरे चुड़ैल लग रही हूं मैं, चुड़ैल पीपल की, क्या कौन सा होता है यार, बूढ़े पीपल की चुड़ैल, पीपल की काली भूतनी, ऐसे कुछ होता है बच्चों के खेलते, मैं हूं पीपल की भूतनी। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, चुड़ैल ऐसे नहीं कर सकते, इससे हम आईब्रो फिल कर सकते अपने, ये दिख रही है ना लाइट लाइट, कर सकते क्या ऐसे? नहीं, हाँ ऐसे करके हम ये कर सकते हैं,
हमारे अगर एक दो व्हाइट बाल हैं और हमें जल्दी जल्दी में कहीं जाना है तो ऐसे ऐसे कर लो, और काजल भी लगा सकते हो। और ये है, बिल्कुल ड्राई मत करना, फ्लॉप है, आपकी मोमबत्ती खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म तो क्या, खराब ही हो जाएगी। एक और है का वो ट्राई करते हैं, और इसका क्या करें, लगे रहने के क्या। एक और है था, उसके अंदर वाटर प्रूफ बनाना अपने इस फाउंडेशन को, वाटर प्रूफ बन जाता है, और देखते हैं निकल जाए यार। थोड़ा सा करूंगी यार मैं, वेस्ट पहले भी वेस्ट हो गया, पानी के अंदर गया, ये तो नीचे जाके बैठ गया। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अच्छा पानी के अंदर डालने से वाटर प्रूफ हो जाता है, ये किसने बोला अभी? मैं ही ज्यादा लगा लेती हूँ क्या? मेरे तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं है तो कुछ लग रहा है इस तरह, ऐसे लग रहा है बस पाउडर लगा लिया मुंह पे। चमक जैसा तो कुछ आ रहा है ना, नहीं इधर से भी चमक रही है फिर तो मेरे चेक्स, इधर से तो बिल्कुल नहीं। तो गए ले, ऐसे निकाल के देख लेती हूँ, दिख रहा है क्या? निकल गया ना, या बन गया वाटर प्रूफ यार। वो लाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर तो नहीं है, मैं मास्क ले आती हूँ। सो गाइस देखते हैं हम ये वाटर प्रूफ हुआ या नहीं। फैक्ट फैक्ट ये रहा सारा, कैसे दिखाऊं आप लोगों को, दिख रहा है क्या यार? इस लाइट की वजह से दिख ही नहीं रहा, ये रहा देखो सारा, अभी दिखा, ये देख लो आप लोग, क्या निकल गया सारा का सारा फाउंडेशन। पानी पुनी में डाल के कुछ नहीं होता, मत करना ट्राई, ओके? और जैसा फाउंडेशन है ना वैसा ही चिपका लो अपने थोपड़े पे, समझ रही हो ना, कुछ नहीं होता इनसे। और यही निकाल ही देते हैं, और ब्लैक लिप्स से भी कुछ नहीं होता, अपने ऐसे ही रखो नॉर्मल, निकल गया ना। और वीडियो इतनी बड़ी बन गई है, मेरे को एडिट करने में बहुत मुश्किल आने वाली है गाइस, बहुत। सो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने इंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और मैंने इतनी मेहनत किया वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी करना, ओके ओके गाइस, और जल्दी से मेरे 1K कर दो, 1K, ठीक है प्लीज गाइस 1K कर दो, ओके बाय, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।